Is my screen visible? ठीक है. लेट्स स्टार्ट. ये सो लास्ट क्लास वी स्टार्टेड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जहां हम लोग डिस्क्रीट में बोल रहे थे कि एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यूज ले सकता है एक्स, हमारा जो भी रैंडम वेरिएबल है. इन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हम लोग बोलेंगे इन अ रेंज, इन अ रेंज हमारा जो रैंडम वेरिएबल है कोई भी वैल्यू ले सकता है. तो उसका फिर हमने, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी, जब हम स्टार्टिंग के क्लासेस में फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना सीखा था, रिमेम्बर, वैसे ही इसमें हम प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लेते हैं. व्हाई डू वी टेक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड नॉट अ प्रोबेबिलिटी, कैन एनीवन टेल मी? बताओ क्या रीजन था? क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप एक सिंगल पॉइंट पे निकालते हो, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, बट वो फॉर अ कंटिन्यूअस केस क्या होता है? जीरो. एक सिंगल नंबर का प्रोबेबिलिटी आप नहीं ले सकते इन कंटिन्यूअस, दैट इज व्हाट वी से. तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनाते हैं एंड नॉट अ प्रोबेबिलिटी. तो ये जो वाई एक्सिस पे जाता है वो जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एंड अगेन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज नॉट सेम एज प्रोबेबिलिटी. प्लीज कीप योर सेल्स इन म्यूट. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज नॉट द सेम एज प्रोबेबिलिटी वाई अगेन, क्योंकि दोनों ऑब्वियसली सेम नहीं है. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैन बी ग्रेटर देन वन, बट प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन. ठीक है, अंडरस्टूड दीज बेसिक थिंग्स जो हमने किया था. बट प्रोबेबिलिटी के अंदर का जो पूरा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के अंदर का जो पूरा एरिया है, जैसे वहां पे इट वॉज फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे इट्स अ प्रोबेबिलिटी, एंड पूरा प्रोबेबिलिटी शुड एड अप टू वन. नाउ इंस्टेड ऑफ एडिंग वी डू इंटीग्रेशन ओवर हियर. व्हाई डू वी डू इंटीग्रेशन ओवर हियर? क्योंकि क्योंकि कंटिन्यूअस है इसीलिए वी डू इट. हमने सिमिलरली सीडीएफ निकाला था, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला था, उसका उसको यूज करके हमने डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज निकाला, फिर हमने मीन किया था सिमिलर, एंड देन मीन के बाद डिड वी डू मीडियन एज वेल? आई थिंक हियर ओनली दिस वॉज द पार्ट वेर वी डिड मीडियन. मोड हमने किया है, मोड वील डू टूडे. Any doubts from the previous class? You all can quickly ask me. कौन नहीं किया previous class? हाथ उठाना, कौन नहीं किया? क्यों नहीं किया आप लोगों ने? क्या रीजन है? अच्छा, स्टेटिस्टिक्स तुम लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऑनेस्ट आंसर दो. ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोगों को नहीं लगता है उतना अच्छा. जैसे अगर आप एक किसी एक्चुअरी से भी पूछो, उनका भी अपना अलग अलग रहता है. पीपल, सम पीपल लाइक डूइंग स्टेटिस्टिक्स, सम पीपल डोंट लाइक डूइंग स्टेटिस्टिक्स. तो कितने लोगों को अच्छा लग, मतलब आई जस्ट वॉन्ट यू टू गिव एन ऑनेस्ट आंसर कि कितने लोगों को, एक बेसिक स्टैट्स लेते हैं आप लोगों से, ठीक है? कितने लोगों को शुरू में अच्छा नहीं लगता था, या पता नहीं था, पता नहीं कैसा होगा, सुना है, बोरिंग है, बट अब उन लोग को इंटरेस्ट आ रहा है. हैंड रेस करो. कितने लोगों को इंटरेस्ट? किसी को नहीं आ रहा इधर? ओ अच्छा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गया. ओके ओके, गॉट इट. सैंपल साइज बहुत छोटा बनेगा. ओके ठीक है. सो वी नीड टू ब्रॉडन द क्वेश्चन सो दैट द सैंपल साइज इंक्रीजेस, राइट? ठीक है, वेरी गुड. तो कितने लोग हैं जिनको अभी स्टैट्स अच्छा लगता है? अभी भी जीरो? ऑनलाइन, मतलब ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन में कितने लोगों ने हैंड रेस किया? 10 पीपल हैव रेस्ड देयर हैंड्स. 12. अच्छे से हाथ दिखाओ भाई, अच्छे से हाथ दिखाओ. मेरे को नहीं दिख रहा है हाथ. ऐसे पूरा पूरा हैंड रेस करो. क्या हो गया तुम लोग को? अभी से 60 ईयर्स के हो गए हो क्या? कितने लोगों को ऑनेस्टली अभी स्टेटिस्टिक्स अच्छा लग रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब वो सोच रहे हैं डाइसी, मे बी नॉट. ठीक है, सी ऑनेस्टली अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है बस उतना ही चाहिए.
टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑल, आई डोंट नीड कि आप लोगों को बहुत, क्योंकि दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट थिंग, आप 10 जन को पूछोगे उसमें से कोई एक बोलेगा स्टैट्स पसंद है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें नंबर्स कम दिखते हैं, इसमें लेटर्स ज्यादा दिखते हैं, इसमें प्रूफिंग होते हैं, इसमें कहाँ से क्या प्रूफ कर देंगे, इसमें आपको देखो इस पूरे स्क्रीन पे नंबर्स से ज्यादा आपको लेटर्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली, एंड क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट टू टेक इन है, कैसे हमने फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाला, प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाला, एंड कैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैन बी ग्रेटर देन वन, एंड कैसे उसका पूरे का इंटीग्रेशन करके इट कम्स टू वन इवन दो द नंबर इज ग्रेटर देन, तो ये जो बेसिक जैसे एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स कैन बी ग्रेटर देन वन, बट वेन यू आर इंटीग्रेटिंग ओवर अ रेंज ऑफ एक्स इट ऑलवेज गिव्स यू वन, सो दीज कॉन्सेप्ट आर नॉट वेरी इजी टू टेक इन, समझ लो, तभी कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम में बहुत बच्चे होते हैं, बट स्टैट ऑनर्स में देर इज ओनली हैंडफुल 30 to 40, कुछ रीजन होता है ना, सो 10 में से एक बच्चा को ही अच्छा लगता है, नॉट अ वेरी बिग डील, बट अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है आप लोग कर लोगे, ठीक है, बेसिक ही चाहिए हमें, कुछ ऐसा हाई फाई उधर चाहिए भी नहीं इतना ज्यादा, चलो, सो ये हमने कर लिया है, एनी डाउट फ्रॉम प्रीवियस क्लास और शुड वी मूव, ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं मोड से स्टार्ट, तो आप लोग अपना कॉपी निकाल लो, फिर तुम लोग का बात स्टार्ट हो गया, इतना क्या बात करते हैं गर्ल्स लोग से ज्यादा बॉयज गॉसिप करते हैं मेरी क्लास में, क्या गॉसिप करते हो इतना, ऐ तुम लोग को अलग बिठाएंगे अब, सो बेसिकली डिस्क्रीट केस में मोड क्या होता था, एनी नंबर विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एनी नंबर, बिकॉज ऑब्वियसली इंटीजर वैल्यूज ही ले सकते हैं इन केस ऑफ डिस्क्रीट केस, बट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस वी हैव सीन इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस, तो जिसका हम बोलेंगे, जिसका हमारा एफएक्स फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जिसका सबसे हाई होगा, जिसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबसे हाई होगा वो होना चाहिए हमारा मोड, यस ऑर नो, तो यहाँ पे ये आपका हाइएस्ट पॉइंट आ रहा है, यस ऑर नो, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है ये पार्ट, दिस शुड बी द मोड, यस ऑर नो, नाउ रिकॉल स्टैट्स, ना स्टैट्स में मैथ्स का जरूरत पड़ता है, पर मैथ्स में स्टैट्स का जरूरत नहीं पड़ता, इसीलिए पीपल हु लव स्टैट्स आर वेरी इंटेलिजेंट लाइक मी, समझ रहे तुम कि हम कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग को याद है, तुम लोग 11 12 में किए हो मैथमेटिक्स में, कि ये जो पॉइंट होता था मैक्सिमा, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ अ कर्व, मिनिमम पॉइंट ऑफ अ कर्व कैसे निकालते थे, अगर आपको एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है, वेरी गुड, यू डिफरेंशिएट दिस, सो यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपका एक्स है एंड दैट नीड्स टू बी इक्वल टू जीरो, राइट, टेंजेंट होता है वो जीरो होता है, और वो जीरो होगा तब आपका वो या तो मैक्सिमा है या तो वो, और मैक्सिमा के लिए सेकंड टू फाइंड आउट कि ये मैक्सिमा है कि नहीं उसको सेकंड, तुम लोग कितने इंटेलिजेंट है, उनको पढ़ाने ही नहीं पड़ रहा है, हाँ अच्छा है सच्ची में, देखो मैं एकदम काम आसान हो जा रहा है, दिस शुड बी लेस देन जीरो, तो वो हमारा क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है, तो एक तुम लोग को देते हैं फॉर एग्जाम्पल, लिखो एक पीडीएफ है, क्या है, किसका पीडीएफ है ये, किसका पीडीएफ है ये, एक रैंडम वेरिएबल एक्स का पीडीएफ है कंटिन्यूअस, ठीक है, 4x - 4x³, और एक्स का एक रेंज होना चाहिए ऑब्वियसली, अगर एक्स का रेंज नहीं गिवन है तो आप कुछ ऐसे, अच्छा अगर एक्स का रेंज नहीं गिवन है, कोई भी पीडीएफ ऐसे मैंने लिख दिया और एक्स का कोई रेंज नहीं दिया, तो मन से मत अज्यूम कर लेना 0 to infinity, इट कैन बी -∞ to infinity एज वेल, है ना, तो ये सब मन का बात मत करना, तो यहाँ पे ये कहां से कहां जाएगा, लेट्स सपोज 0 to 1 हम ले रहे हैं, तो क्या आप इस पीडीएफ का मुझे मोड निकाल के बता सकते हो, अब कैसे, एक मिनट सुन लो, एक मिनट पहले सुन लो, मैं बोल रही हूँ जब आप इसको डिफरेंस करोगे, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एफ डैश एक्स, तो जब इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे, जिस पॉइंट पे ये, जिस एक्स के वैल्यू पे
ये जीरो आएगा वो हमारा क्या है, मैक्सिमा है, जिस पॉइंट पे, जिस पॉइंट ऑफ एक्स पे ये तुम्हारा एफ डैश एक्स जीरो आएगा वो हमारा मैक्सिमा है या फिर वो हमारा मोड है। चलो करो इसका सॉल्व करो। सो डिफरेंस करो इसको, डिफरेंशिएटिंग दिस एंड सेटिंग इट इक्वल टू जीरो। एक्स अननोन है, डिफरेंस करेंगे क्या हो जाएगा, ये फोर माइनस सेटिंग इट इक्वल टू जीरो कितना आ रहा है, रूट थ्री। देखने दो भाई, भरोसा नहीं है। कौन बोला ये 1/√3, आधा मार्क मिलेगा आप। वेरी गुड, फाइनल आंसर नहीं है, रुक जाओ। प्लस माइनस 1/√3 आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर से आप इक्वेट कर रहे हो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/12 है ना, तो प्लस माइनस लोगे। बट नाउ यू कैन राइट दैट सिंस द रेंज ऑफ एक्स इज बिटवीन 0 एंड 1, हेंस द मोड विल बी दिस पॉजिटिव वैल्यू। बट ये सही नहीं है, इसमें आपको डबल डिफरेंस करके प्रूफ करना होगा क्या, कि आपने जो निकाला है वो मैक्सिमा है, मिनिमा नहीं, क्योंकि वो मिनिमा भी हो सकता है। इफ अ कर्व इज समथिंग लाइक दिस, देखो इफ अ कर्व इज लेट्स से सपोज लाइक दिस, तो ये जो पॉइंट है ये मिनिमा आएगा, इसका भी आप एक बार डिफरेंस करोगे तो जीरो आएगा है ना। तो इसके लिए सेकंड डिफरेंस करते हैं हम लोग टू फाइंड आउट वेदर इट्स अ मिनिमा और अ मैक्सिमा। क्या हो जाएगा ये, इसी का करना है, माइनस 24x दिस इज लेस देन जीरो, हेंस करो इसको, लिखो, बोलो किसी को कोई क्वेश्चन था, हेंस मोड इज 1/, या फिर फ्रैक्शंस में बताना, डेसिमल्स में बताना, 0. भाई तुम लोग बिना कैलकुलेटर के कैसे बैठते हो क्लास में, कहाँ कब लोगे प्रोफेशनल एटीट्यूड। 5, आई नीड 5 decimals एटलीस्ट, ठीक है। सबका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे वेरिएंस, क्लियर है, एनी डाउट। मेजर्स ऑफ स्प्रेड, वेरियंस एंड स्क्यूनेस। सो वेरियंस हम लोग कैसे लिख रहे थे, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू विच वी आर सेइंग वेरियंस ऑफ एक्स। डिस्क्रीट केस में याद है कैसे कर रहे थे सॉल्व, कैसे कर रहे थे डिस्क्रीट केस में। डिस्क्रीट केस में आप लोग कैसे कर रहे थे इसको, बोलो बोलो। समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, वेरी सिंपल है ना। यस, फिर इसके लिए हमने कुछ डिराइव किया था कि नहीं, कि यहां छोड़ दिया था, क्या किया था, क्योंकि आप क्या करोगे, आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्ल डिवाइड बाय एन है ना, तो अगर एक्स आपका 3 बार आ रहा था, 1 1 1 1 1, तो आप क्या करोगे, 1 माइनस x बार होल स्क्वायर बाय जो भी आपका एन है, प्लस 1 माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो 3 बार करोगे, 3/n हो गया, विच इज द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सपेक्टेशन लिख देते हैं, व्हेन द प्रोबेबिलिटीज आर गिवन इट मींस यू आर डीलिंग इन द पॉपुलेशन, येस और नो, यू आर डीलिंग इन द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे यू ऑल कैन जस्ट सिंपली राइट, एंड सिंस वी आर डीलिंग इन पॉपुलेशन
We always talk with respect to mu. Population mean, not the sample mean. तो x माइनस म्यू का होल स्क्वायर ये होगा. इसको खोलने से ये हमने प्रूव किया था, आप लोग भूल गए हो, ये हमने किया है. यस, एनीवन रिमेम्बर्स कि इसका प्रूफ हमने किया है कि नहीं? पूरा स्क्वायर खोला था, फिर वो 2x आया था, फिर हमने उसको पूरा प्रूफ किया था. एंड सिमिलरली और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज बेसिकली द रूट ऑफ वेरियंस या फिर रूट ऑफ दिस एंटायर थिंग. तो वेरियंस आ गया तो आपका ये भी निकल जाएगा. नाउ इन दिस केस अगर मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है इन द कंटिन्यूअस केस, हमने प्रीवियस क्लास में किया जब हमने मीम किया था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज सिंपली कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग इज एनीथिंग इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी. बट सिंस इट्स अ कंटिन्यूअस केस वी आर डूइंग इंटीग्रेटिंग विद द एफ एक्स. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स और ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग एक्स एफ एक्स डी एक्स. देख लो, एनी डाउट लिखते जाओ इसको. ये डेरिवेशन किया है कि नहीं किया है? या ऐसे ही बोल दियो, हमने खोला था ब्रैकेट ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड देन किया था. तो अब मैं क्वेश्चन दूंगी, उसका आप लोग वेरिएंस निकाल के दोगे मुझे, ठीक है? सो नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन ओवर हियर. एफ एक्स विच इज पी डी एफ इज 3/x4 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1. इसका मुझे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के बताओ क्विकली. करो इसको. कैसे करेंगे? तो सबसे पहले फॉर वेरिएंस हम लोग को क्या चाहिए? ये चाहिए. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा, कहां से कहां जाएगा? 1 से इंफिनिटी ओवर द एंटायर रेंज ऑफ एक्स. ओवर द एंटायर रेंज ऑफ एक्स होता है, येस और नो? इतना लॉस्ट मत करो फील, प्लीज यू हैव टू रिवाइज बिफोर द क्लास. नाउ जो सब्स्टिट्यूट, सॉल्व करके बताना, मैं नहीं सॉल्व करूंगी क्या? अच्छा ये आएगा क्या, 3? ये होगा इंटीग्रेशन, भूल जा रहे हो तुम लोग, बताओ. तो ये माइनस, चलो बाहर लिख दिया, चलो ठीक है. 3/2 × ∞ है ना, -3/2. एनीथिंग टू दी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज अ जीरो. तो ये हो गया आपका 3/2. सेम 1.5 लिख लो या जो भी. सेम डू फॉर
मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप लोग डायरेक्टली नहीं लिखोगे, क्या हो जाएगा? 3/x² बस। यस, क्या आ रहा है सॉल्व करके? अगेन 3 आ रहा है, तो हम लोग का फाइनल वेरिएंस क्या हो जाएगा? 3 - 3/2 का क्या आ रहा है? डेसिमल्स में बताओ ना। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स विल बी आंसर आ गया, देख लो। यस लिख दो, हो जाएगा। तुम पढ़ाया मैंने वैसे था, इजी लग गया। ए, तुम लोग इतना कुछ 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 क्या क्या बोलते रहते हैं? मतलब अजीब सा एक नॉइज आता है मतलब कान में। हाँ तुम लोग का ऐसे, तुम लोग का पता है, बॉय मतलब गर्ल्स ऐसी बदनाम है कि गर्ल्स गॉसिप करती है, बॉयज सबसे ज्यादा गॉसिप करते हैं मेरी क्लास में, हर क्लास में। गर्ल्स एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं। नो वंडर गर्ल्स आर क्वालिफाइंग अर्लियर देन बॉयज। यस, जस्ट पिक अप द रीसेंट स्टैटिस्टिक्स एंड सी। क्लियर? अब हमने एक और प्रूव किया था, इफ यू ऑल रिमेम्बर, वेरिएंस ऑफ AX+B क्या था? ये कितने लोग बोलते करेक्ट है, कितने लोग बोलते करेक्ट नहीं है? तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो, प्लस भी नहीं होगा। एक बेसिक पता है थंब रूल ले लो, एक बेसिक एक्सप्लेनेशन। ये इसका प्रूफ हमने किया है जब हम लोग डिस्क्रीट कर रहे थे, नहीं किया अभी। मैं फिर से, तुम लोग लॉस्ट फील करो, मैं फिर से करा दूंगी, डोंट वरी। चलो देखो, फॉर एग्जाम्पल तीन वैल्यूज हैं हम लोग, चलो बात करते हैं, रेंज ऑफ वैल्यूज है बिटवीन 1 से 3, ठीक है? ये हमारे रेंज ऑफ वैल्यूज है, लेट्स सपोज। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3। तो मान लो ऐसे आपकी रेंज ऑफ वैल्यूज हैं कुछ, ठीक है? X+1 के वैल्यूज कहाँ से कहाँ जाएंगे? 2 से 4, तो यहाँ एक 4 भी बना देते हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसका स्प्रेड और इसके स्प्रेड में कुछ अंतर दिख रहा है? सेम है। सो व्हेन यू ऐड और सब्ट्रैक्ट, योर स्प्रेड ऑफ वेरिएंस, स्प्रेड अराउंड द मीन वेरिएंस रिमेन्स सेम, ठीक है? बट लेट्स सपोज X² कर देते तो कहां से कहां जाता? 1 से 9 तक। ओ, और लाइन बड़ा करना पड़ेगा। ये लेते सपोज आपका 9 है, तो आपका नया बन गया कुछ ऐसा, स्प्रेड वैसा ही है कि इंक्रीज हुआ है? तो डिवाइड, ये हो गया ग्राफिकली। आप लोग को ग्राफ देखने में मजा आता है इसीलिए, क्योंकि नंबर्स आप भूल जाते हो, प्रूफ भी आप भूल जाते हो। बट अब अगर आप भूल गए इसके बाद भी, तो आई डोंट नो व्हाट इज द अदर अप्रोच, बट ये आप लोग को नहीं भूलना चाहिए। आई फील दिस इज समथिंग विच यू ऑल शुड नो कि कैसे हम लोग करते हैं इसका प्रूफ। चलो कर लेते हैं, किया हुआ है, क्या करेंगे? आधा लोग अजीब सा मुंह बना रहे हैं, मतलब ऐसा मुंह बना रहे हैं कि पता नहीं मैंने क्या हिब्रू में बोल दिया कुछ। वेरियंस को कैसे सॉल्व करते हो? ऐसे करते हो ना सॉल्व, ब्रैकेट खोलो फटाफट, ओरली करते हैं। AX²
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस, ये वैसे ही रहेगा ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बोलो जल्दी, ये क्या हो जाएगा ए फिर। और ठीक है, और अब नेक्स्ट इसको भी खोल दो ना, छोड़ो इसको मैं यही खोल देती हूँ, मैं बार बार क्यों लिखूँ। ऐसे अब इसको जब खोलोगे तो क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में खोलोगे तो क्या होगा, तुम लोग कॉपी करो इसको, फिर तुम लोग बोलोगे नहीं आता है। क्या होगा, वेरी गुड, होल स्क्वायर माइनस बाहर है तो माइनस होगा, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, टू ये वाला नॉट वेरी डिफिकल्ट, जस्ट दैट पीपल मेक इट डिफिकल्ट। करो इसको कॉपी, फिर वापस तुम लोग बोलोगे कि नहीं किया है, कॉपी मत करो, अब तो अप्रोच पड़ता है ना खुद से करने का, ट्राई करो वो बिना ऊपर देखे, देखो खुद से होता है कि नहीं, करना ऐसा लेजी है तुम लोग एकदम। तुम फर्स्ट टाइम अटेंड करे ना मेरा क्लास, कुछ भी नहीं आ रहा होगा समझ में तुमको, तो स्टैट्स वाला पूरा देख लिया, सीखो, व्हाट्स योर नेम, वेरी गुड, पूरा क्लास 12 सीखो, तुमको किसका क्लासेस पेंडिंग है अभी भी देखना, स्टैट्स का क्यों, क्या किया कल, परसों क्या किया और कल, अच्छा तुम्हारा वो दूसरा ठीक है, और उसके अलावा और क्या किया, और क्या किया, कहीं घूमने नहीं गया, जाना भी मत, हीट वेव है, प्लीज मूव टू द नेक्स्ट पेज ना, कहाँ लिखेगा तुम, और तुम पीछे में क्यों लिख रहे हैं, तो ये इसका कॉपी का है क्यों, क्यू फोरम नहीं देखा तुम लोग, क्यू फोरम नहीं देखते हो दो, तुम लोग जब तक 4-5 बार यहाँ आओगे नहीं और ऐसा हुआ कि क्लास नहीं, तब तक तुम लोग को अक्ल नहीं आएगा कि निकलने के पहले देखते हैं, सबका हो गया, नेक्स्ट करें, ठीक है, डन ऑल ऑफ यू, एनी डाउट, ये डायग्राम याद रहेगा, कॉपी में बना लो या तो, नेक्स्ट करते हैं स्क्यूनेस, स्क्यूनेस का फॉर्म मिला,
टू डी बार किया था हमने डिस्क्रीट केस में, तो यहां पे म्यू थ्री लिख दो या स्क्यूनेस ऑफ एक्स लिख दो, दोनों तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का, क्योंकि हो क्या रहा है आप यहां पे प्रोबेबिलिटीज अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट बिकम्स एक्सपेक्टेशन ओनली ना, ठीक है ना। अब इसको हम लोग खोल के, हमने इसको भी शायद प्रूव करा था, डू यू रिमेम्बर, मैंने ए प्लस ए माइनस बी होल क्यूब का आप लोगों से फॉर्मूला मांगा था, फिर हमने प्रूव, ये याद है क्या होगा किसी के, ठीक है एक्स स्क्वायर मत बोलो, बोलो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हेन यू से एक्स स्क्वायर वी कॉल एक्स स्क्वायर लाइक दिस ई टू द पावर, ठीक है। सो ऑलवेज से, बिकॉज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, आप लोग बोलोगे हम लोग को तो लिख के एग्जाम देना है, आपको 2 साल बाद इंटरव्यू में बैठना है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा है कि स्क्यूनेस अगर ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिवली स्क्यूड, कैसा होता था पॉजिटिवली स्क्यूड, कैन एनी वन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिवली स्क्यूड, तुम बोलो, तुम बोलो, हाँ तुम, हाँ करेक्ट, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर टू द राइट ऑफ द मीन, ठीक है। ऑल्सो इट्स अ लॉन्ग राइट टेल, इसको बोलते हैं लॉन्ग राइट टेल, समटाइम्स इट इज ऑल्सो अ थिक टेल, थिक टेल का मतलब है कि इसके लार्ज वैल्यूज ऑफ एक्स का होने का प्रोबेबिलिटी इज हायर, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिवली स्क्यूड के भी बहुत सारे डिफरेंट पॉजिटिवली स्क्यूड भी हो सकते हैं, दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है और दोनों अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स सपोज पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है, तो वो कैसा बनेगा, आई सिमिलर लग गया ये तो, लेट्स सपोज ऐसा, तो ये भी पॉजिटिवली स्क्यूड ही है बट ये कंपेरेटिवली थिन थिन टेल्ड है, मतलब देखो इसमें दो चीज है, इसका जो टेल है ये लास्ट तक जा रहा है एंड और आगे तक, मतलब इसमें ध्यान से समझना, हाई ये आप इधर क्या प्लॉट करते हो, एक्स एक्सिस पे वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एक्सिस पे पीडीएफ कंटेनर सी केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स, ठीक है, यहां प्लॉट कर रहे हो एफ एक्स, मैं लिख नहीं रही अब इधर, तो व्हाट आर वी सेइंग फॉर द ब्लैक वन, यहां टेल में क्या बोल रहे हैं, थिन टेल्ड है, मतलब ये जो एक्स का वैल्यूज है इसका होने का प्रोबेबिलिटी इज लोअर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम होगा तो प्रोबेबिलिटी भी कम होगा, बट गेटिंग वेरी हाई वैल्यूज ऑफ एक्स इज पॉसिबल इन व्हाट, ब्लैक वन और ब्लू वन, गेटिंग हाई वैल्यूज, हायर वैल्यूज ऑफ एक्स किस में है, ब्लैक में है ना, ये तो इसके बाद यहाँ पे इसके बाद आगे जा ही नहीं रहा, ये तो इसमें रुक गया, यहाँ ये यहाँ तक जा रहा है, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लेटर ऑन फॉर द लेटर स्टडीज, क्योंकि ये आप लोग को अगर डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में डिस्टिंग्विश आप ग्राफिकली नहीं कर पाओगे तो जस्ट बाय लुकिंग एट नंबर्स कभी नहीं कर पाओगे, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि ग्राफिकली, अगर हम बोल रहे हैं स्क्यूनेस ग्रेटर देन 1 है, 0.8 भी पॉजिटिवली स्क्यूड है, 0.9 भी पॉजिटिवली स्क्यूड है, बट कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग है वो हमें देखना होता है, ठीक है, तभी हम लोग क्या निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, याद है हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस किया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। नेक्स्ट अगर लेस देन 0 है नेगेटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड इज समथिंग लाइक दिस एंड इक्वल टू 0 इज सिमेट्रिकल, सॉरी सिमेट्रिकल लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसको हम लोग स्क्यूनेस का ये फॉर्मूला है, अगर मैं इसको और स्पेसिफिक बनाऊं टू दिस थिंग योर कंटेनर्स, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन, समेशन नहीं,
क्या करेंगे अपने इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स बार की जगह आप म्यू कर सकते हो, क्योंकि आप किसका एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हो इसका ना, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, म्यू ले लो, इसको आप सॉल्व कर रहे हो ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग इज दैट थिंग मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेंसिटी इन इन डिस्क्रीट केस इट इज, इन डिस्क्रीट केस इट इज दिस, यस फॉर ऑल एक्स, और यहाँ पे कंटिन्यूअस केस में ये है, यही तो आपने वेरिएंस के लिए भी लिखा था ऊपर, कहाँ गया, ये आपने वेरिएंस के लिए लिखा है ऊपर, बेसिकली इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, मतलब अगर आपको डायरेक्ट अप्रोच यूज करना है तो कर सकते हो ना, यस और नो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग इज व्हाट दैट थिंग इनटू द प्रोबेबिलिटी और दैट दैट थिंग इनटू द पीडीएफ, क्लियर, एक दे रही हूं उसका निकालना, एनी अप्रोच यू कैन यूज, आइदर यू कैन यूज दिस अप्रोच विच आई थिंक इज इजी अ लिटिल बिट, क्योंकि उसमें आपको अलग से मीन नहीं निकालना, फिर उसको उसमें नहीं डालना, फिर उसका क्यूब नहीं करना, और यू कैन यूज दिस अप्रोच एनी वन यू प्रेफर, तो करो इसको, आप लोग देख के समझो कि कौन सा अप्रोच, दोनों अप्रोच से आपका आंसर सेम आएगा, या तो आप लोग ये वाला अप्रोच कर सकते हो जहां पे आप लोग पहले म्यू निकाल सकते हो, मतलब आप इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल सकते हो, फिर यहां डाल के इसको पूरे को सॉल्व कर सकते हो, या आप लोग इसमें डाल सकते हो, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तीन चीज निकालनी पड़ेंगे, तीन इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, इस केस में दो इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सो लेट्स डू, ये तो एनीवेज निकालना ही पड़ेगा दोनों के केसेस में, तो आप कहां से कहां जाओगे, 0 से 5, 3/125 एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या हो जाएगा, क्या 1 सेकेंड, मैंने कुछ गलत किया है, एक और एक्स आएगा ना, तो एक्स क्यूब हो गया, बताओ बताओ, 3/125 कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लिख देते हैं, सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर बताना, 5 to the power 4 इज, डेसिमल्स में बताओ, आ रहे सबको एक बार देख लो, देन देर आर टू ऑप्शंस दैट यू ऑल कैन डू टू कैलकुलेट स्क्यूनेस, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व एक्स माइनस 3.75 का होल क्यूब,
ठीक है, विच इज एक्स माइनस म्यू का होल क्यूब इंटू 3/125 x² dx। तो या तो आप इसको कर सकते हो सॉल्व या आप अलग अलग कर सकते हो, बट ये वाला वो डिपेंड करता है कैसा आपका इंटीग्रल बन रहा है। अब इस इंटीग्रल में क्या दिक्कत है, आप पूरा खोलोगे, आपके कितने टर्म्स निकलेंगे, तीन टर्म्स निकलेंगे, तीन इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व करना होगा। ये कर सकते हो या फिर आप लोग सिंपली एक्सपेक्टेशन ऑफ x² निकाल लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x³ निकाल लो, पहले वाले फॉर्मूला में डाल दो। दिस इज अगेन 0 to 5 x² 3 into 125 x² dx। इसको सॉल्व करके आंसर बताना। क्या है एक्सपेक्टेशन x² x4 कर दो ना, और 3/125 को बाहर कर दो, तो आपका हो जाएगा x5/5। क्या आ रहे बोलो। हाँ सबका आ रहे है, किसका नहीं आया, हैंड रेस करो, किसका आ गया हैंड रेस करो। तो जिस जो नहीं हैंड रेस करे वो क्या कर रहे हैं, देखो इसको, कैलकुलेटर कहाँ है, कहाँ है, देखा, ये होता है लाइफ का प्रॉब्लम, दिस इज एक्चुअल प्रॉब्लम। बैग में कैलकुलेटर है, निकालेंगे कैसे, आलस। कैलकुलेटर यूज करना कब सीखेगा, अगर तुम अभी उसको यूज नहीं करेगा, सजा के रख के रखेगा। जब तक कैलकुलेटर में जो सारे नंबर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4, जब तक वो पूरे ब्लैंक ना हो जाए, मतलब 1 2 3 4 दिखना नहीं चाहिए, इसका मतलब है कि आप लोगों ने उतना लेवल का प्रैक्टिस नहीं किया है। ये जो दिखता है ना कैलकुलेटर में, ये व्हाइट व्हाइट नंबर्स और वो सब सब दिखता है, वो जब तक पूरा हट ना जाए आपके फिंगर से बार बार टच करके, तब तक आप लोगों ने नहीं प्रैक्टिस किया। आई स्टिल हैव माई कैलकुलेटर जो मैंने CT1
में यूज किया था वो पूरा ब्लैंक हो चुका है. मतलब अब बहुत टाइम हो गया मैंने यूज नहीं किया, बट आई हैव यूज वन कैलकुलेटर फॉर आई थिंक 4-5 years. एंड एंड तक आई यूज, मतलब उसमें एक हार्ट बैठ जाता है आपके कैलकुलेटर में, तो आप वही यूज करते हो. बट जब तक वो पूरा वैसा ना हो जाए तब तक मतलब आप लोग लाइफ में कुछ नहीं किया. फिर आया सबका क्या था, चलो क्विकली स्क्यूनेस में डाल के बताना क्या क्या था. पहला पहला टर्म म्यू इज नथिंग बट योर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. सो जस्ट पुट इन द वैल्यूज एंड टेल मी. सो इट्स अ ठीक है. आ गया सबका नेगेटिवली स्क्यूड. यस नो ओके कुछ तो लिखो. नहीं आया, नहीं समझ आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, सब दिमाग के ऊपर से जा रहे, कुछ लिखो तो सही. गायत्री, आरती, रजत, मेहुल अग्रवाल, अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. क्या था फॉर्मूला याद है? जोर से बोला करना, दिखता नहीं लगा हुआ, सुनता नहीं है मेरे को. स्टैंडर्ड डिविएशन का क्यूब. वेरी गुड. और यू कैन राइट दिस एज वेरियंस ऑफ एक्स का क्यों करते हैं, टू गेट इट इन द सेम स्केल. स्क्यूनेस इज सेंटीमीटर क्यूब, याद है, मिलीमीटर क्यूब. स्टैंडर्ड डिविएशन इज जस्ट सेंटीमीटर और जस्ट मिलीमीटर, एंड देन यू टेक अ क्यूब ऑफ इट. क्यूब क्यूब कैंसल आउट एंड यू गेट द जस्ट यूनिट, यूनिट लेस. दिस इज यूनिट लेस. ठीक है चलो, अब सेम उसी का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी निकाल लूं, बताओ क्या आएगा. कुछ नहीं है, आपको स्क्यूनेस निकला हुआ है, आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरियंस, वट एवर. एंड वेरियंस भी आपको कुछ ऐसा आप लोग पता नहीं अलग सा नहीं निकालोगे, क्योंकि सब कुछ निकला हुआ है. वट एवर यू नीड, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस, फीड इन करके बताओ क्या आ रहा है. 62 पॉइंट वट एवर आ रहा था उसमें डाल के बताओ क्या आ रहा है. एंड देन फाइनली ये क्या आ रहा है, वेरियंस 0, 0 पॉइंट डालो इधर और बताओ क्या आ रहा है. ये आएगा सबका. और नेगेटिव होने का क्या मतलब है, नेगेटिवली स्क्यूड है. ठीक है नेक्स्ट करते हैं. ये बहुत इजी है, इसको हम लोग को अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है. पॉपुलेशन मोमेंट्स याद है हमने किया था, मोमेंट्स M1 M2, और ये क्या था हमने, सेंट्रल मोमेंट. सेंट्रल मोमेंट, फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट इज
सेकेंड इज वेरियंस, थर्ड इज क्यूनेस. वॉट इज अ सेंट्रल मोमेंट? एक्स माइनस एक्स बार का के, मतलब के एच सेंट्रल मोमेंट इज दिस. यू टेक अ समेशन ओवर हियर. ठीक है, दिस इज द के एच सेंट्रल मोमेंट. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट, इफ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मोमेंट, तो हमारा के एच मोमेंट क्या होगा? एक्स टू द पावर के डिवाइडेड बाय एन. दिस इज वॉट, दिस वॉज इन डिस्क्रीट केस. डिस्क्रीट केस में हम समेशन करते हैं, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे ऑब्वियसली इसको, विच इज नथिंग बट kth ऑर्डर. और सेंट्रल मोमेंट, क्या होगा? सेंट्रल मोमेंट इज एक्स माइनस एक्स बार टू द पार के. ये हो गया समेशन. इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो जाएगा इंटीग्रेटिंग के एक्स माइनस म्यू या एक्स माइनस एक्स बार, वट एवर. पॉपुलेशन में डील करें तो म्यू बोलोगे. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू टू दी पार के एफ एक्स. यस और नो? विच इज वॉट? जैसे सेंट्रल मोमेंट, द वर्ड सेंट्रल बेसिकली केथ मोमेंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं केथ मोमेंट अराउंड जीरो, एक्स माइनस जीरो. इधर अगर आप एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो टू द पावर के करोगे तो एक्स टू द पावर के तो आएगा ना. एक्स माइनस जीरो टू द पावर के करोगे होल टू द पावर, तो एक्स माइन एक्स टू द पावर के ही आएगा. सो सिमिलरली कैन वी हैव समथिंग लाइक केथ ऑर्डर मोमेंट, kth order moment about c, any number. ठीक है, इट बिकम्स x माइनस c टू द पावर के. सेंट्रल मोमेंट इज अ स्पेसिफिक केस जहां पे हम लोग c के बदले क्या लेते हैं? मीन, म्यू मीन. ठीक है, हाउ कैन यू सॉल्व दिस? एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग इज दैट थिंग मल्टीप्लाइड बाई इट्स पीडीएफ और प्रोबेबिलिटी. पीडीएफ इन कंटिन्यूस, प्रोबेबिलिटी इन डिस्क्रीट. देख लो. एक सम करेंगे फिर क्विकली. क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? एक्स की जगह मैंने वी लिख दिया, डज इट मेक एनी डिफरेंस? नाउ यू आर डीलिंग विद अ रैंडम वेरिएबल वी. ठीक है, फाइंड आउट फोर्थ मोमेंट ऑफ वी. फोर्थ मोमेंट, व्हाट आई एम सेइंग टू फाइंड यू, फोर्थ मोमेंट इज kth ऑर्डर मोमेंट. के जगह फोर डालना है आपको. करो इसको सॉल्व. एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग इज दैट थिंग मल्टीप्लाइड बाय इट्स पीडीएफ. पीडीएफ के जगह पे 1/2 वी डालो और सॉल्व करके बताओ. जब भी आप कोई चीज का एक्सपेक्टेशन निकालते हो, आप ओवर एन एंटायर रेंज लेते हो. आगे जाओगे और तो आप लोग पढ़ोगे दैट हम लोग जब एक पोर्शन ऑफ द रेंज का निकालते हैं उसको हम लोग ट्रंकेटेड मीन बोलते हैं. 0 से 2 का निकाल रहे हैं, दैट्स एक्चुअल. 0 से 1 का निकालेंगे उसको ट्रंकेटेड बोलते हैं. अभी आप लोग को इतना नहीं सोचना. प्लीज कीप योर बेसिक्स टुडे. आफ्टर वी फिनिश टुडेज क्लास, ऐसा समझो जो पूरा बेसिक एग्जैक्ट का आप लोगों को चाहिए इन लाइफ, इन एंटायर लाइफ. वेदर यू डू वट एवर you want to, you go for an MBA, you don't do an MBA just after your graduation, do any random job, you will be needing basic knowledge of statistics, basic probability, basic statistics, mean, median, mode, variance, skewness, basic knowledge you will be needing. तो ये जो बना लिया ना notes, इसको अपने पास रखो.
ठीक है, ये रिवाइज करने में आपको कभी भी स्टैट्स आप लोग को रिवाइज करना हो, उसको रिवाइज, क्लास चल रहा है भाई, अलग ही, मतलब जैसे उसको लग रहा है कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं. तो यू जस्ट रिवाइज दिस, आई डोंट थिंक इट विल टेक मोर देन 2-3 आवर्स टू रिवाइज एंटायर जो इतने क्लासेस हुए हैं. एंड द मोमेंट यू रिवाइज यू विल बी एबल टू, ठीक है, बेसिक स्टार्ट आपको आता है, ठीक है, आना चाहिए, ये सबको आना चाहिए. अगर ये नहीं आता आज के टाइम पे तो आप एकदम भी अनएम्प्लॉयबल हो, आपको कोई भी एम्प्लॉय नहीं ले करेगा, ठीक है, तो ये आना चाहिए. क्या आ रहा है आंसर? 5. उसके लिए ऐसे भी लगा देते हैं बहुत बार. थर्ड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट मैं नहीं बोल रही हूँ निकालने, बट अगर निकालने बोले तो आप लोग कैसे निकालोगे? थर्ड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट इज नथिंग बट स्क्यूनेस वी माइनस म्यू. थर्ड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट क्लियर है? कर सकते हो, ठीक है, इसको घर पे करना. लेट्स डू इट टिल हियर फॉर टुडे. प्लीज वी एंड आ बेसिक स्टार्ट क्लासेस. तो आप लोग को प्लीज ये अच्छे से पढ़ना है. एक चीज, एक सेकेंड, रुक जाओ, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ.